आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदय, उपमुख्यमंत्री जी, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, सभी मंच पर अधीन सांसदगण, मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने मिशन के रूप में हम सबके सामने एक उद्दिष्ट रखा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और विशेष रूप से हम एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसी के लायक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नमूना वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आज का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे है, यह कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत आनंद हो रहा है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। वैसे डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर इसमें अंडरपास है, आरओबी है, टनेल्स है, ब्रिजेस है। इतना ही नहीं तो एक जगह पर 4-4 लेन एक के ऊपर एक है। इसका अपने आप में एक अलग डिजाइन है और ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट जिसकी सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो 565 किलोमीटर है और अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो केवल 29 किलोमीटर है। और मुझे खुशी है कि एस्टीमेट कॉस्ट से करीब 20% की बचत इस प्रोजेक्ट में हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को यह विश्वास देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इस प्रोजेक्ट को देखकर फिर आप इसका उद्घाटन करिए। उन्होंने समय दिया और बहुत इंटरेस्ट के साथ एक एक बारीक बातों को देखा। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ आज 1,00,000 करोड़ की लागत वाले 114 प्रोजेक्ट्स जिसका शिलान्यास या जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मैं जब पहले कहता था कि हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, पर मुझे बीच में कुछ अमेरिका के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हमारी आपत्ति है। तो मैंने कहा क्या गलती हुई है, तो उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो अमेरिका से भी अच्छा है, ये बात को उन्होंने सर्टिफाई किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली हमारा सबसे प्रदूषण युक्त और ट्रैफिक जाम का शहर है। सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल हुई है और इसलिए हमने 2 निर्णय किए थे कि हमारे ट्रैफिक जाम की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 65,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने तैयार किए और उसके कार्य का भी शुभारंभ किया। आज मुझे कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और आने वाले दिसंबर के अंदर पूरे 65,000 के प्रोजेक्ट पूरे होंगे और दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। केवल दिल्ली को नहीं तो हरियाणा को मिलेगी। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना है इसमें हरियाणा के जितने रोड है उसको भी हमने अच्छी तरीके से बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में जो UR2 था, रिंग रोड दिल्ली का, उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। 3 महीने के अंदर आगे प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका भी उद्घाटन हम करेंगे, जिसके कारण ये पूरे गुड़गांव से धौला कुआं तक जाने वाला जो रोड है इसका ट्रैफिक 50-60% कम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल, यहां से लोग जिनको एयरपोर्ट जाना है वो पानीपत के बाद तुरंत UR2 पर आएंगे और केवल 25 से 30 मिनट के अंदर हमारे इस द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचकर एयरपोर्ट के नीचे जो एयर स्ट्रिप है उसके नीचे से टनल लगभग पूरी हुई है। जून तक उसका उद्घाटन होगा। T2 और T3 तक चले जाएंगे
और जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे वो केवल आधा घंटे में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, पर आज का प्रोजेक्ट उनमें से भी अलग है। ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, ये हम सबके लिए बहुत आनंद का और समाधान का विषय है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। UR2 में करीब 30 लाख टन से ज्यादा कचरा दिल्ली के गाजीपुर से सेग्रीगेट करके हमने रोड के बीच में डाला है। जो प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान है उसके अनुरूप अब हम कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए ये रोड बनाते समय 12,000 पेड़ ऐसे थे जो तोड़ने की परमिशन हमको मिली थी, पर हमने उसको ट्रांसप्लांटेशन किया है, उसको जिंदा रखा है और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्ट किया। मैं बहुत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये काम नहीं होता। उनके ही मांग पर इस कार्य का शुभारंभ हुआ। हमारे दिल्ली के MP विदुड़ी जी और दूसरे भी हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, इन्होंने इसमें काफी अड़चनें आई थी और उन सब अड़चनों को दूर करने में उन्होंने भी बहुत मदद की। यहां हरियाणा के भी मंत्री, MLA सबका बार बार सहयोग मिला और रात दिन काम चला और एक देश का अभिमान हो ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज पूरा हुआ। फिर से एक बार हरियाणा की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी। देवी और सज्जनों, हरियाणा राज्य में डबल इंजन की सरकार